और प्लस थर्टीन करके इन्होंने बोला है कि ये नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है राइट एंड सेम वे में सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री टू वन प्लस फाइव जो है इसको भी आपने कॉम्पोजिट नंबर जो है बताना है राइट right? सो so, अगर हम फर्स्ट नंबर देखें सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन ठीक है तो अगर मैं देखू तो इसमें से मैं थर्टीन जो है वो कॉमन ले सकती हूँ राइट right? सो so, अगर मैं थर्टीन कॉमन ले लेती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास जो नंबर आ जाएगा सेवन इंटू इलेवन प्लस वन आ जाएगा राइट right? तो आप जो है ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हो राइट सेवन इंटू इलेवन दैट विल बी सेवेंटी सेवन प्लस वन सेवेंटी सेवन प्लस वन सेवेंटी एट हो जाएगा सो थर्टीन इंटू सेवेंटी एट आ गया राइट right? सो so, थर्टीन इंटू सेवेंटी एट दैट विल बी वन जीरो वन फोर ठीक है तो अगर आप इनके फैक्टर्स बना के देखो तो इट विल बी वन जीरो वन फोर ठीक है सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर टू के साथ जाएगा सो फाइव जीरो सेवन राइट अब ये थ्री के साथ जो है डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका जो टोटल सम है ठीक है वो ट्वेल्व रहा है जो कि थ्री के साथ डिवाइड हो सकता है राइट तो थ्री के साथ जब आपने इसको डिवाइड किया योर आंसर इज 169, right? नाइन तो 169 जो है वो 13 के साथ डिवाइड हो सकता है सो so 13, 13 दन 169, ठीक है 13 प्राइम नंबर है तो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा सो विल हैव वन तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन रहे हैं टू इन टू थ्री इन थर्टीन इंटू थर्टीन तो कॉम्पोजिट नंबर एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है कॉम्पोजिट नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ बनता है ठीक है तो टू जो है वो भी प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम नंबर है और थर्टीन जो है वो भी प्राइम नंबर है राइट तो इसमें जो है वन थाउजेंड फोर्टीन में जो है हमारे पास मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं दैट मीन्स इट इज अम्पोजिट नंबर सो यू कैन राइट सिंस इट हैज मोर देन

जिसके अपने अलावा दैट मीन्स कि 1014 के 1014 और 1 के अलावा भी फैक्टर्स अगर आते हैं तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं राइट right? तो इसमें ऑबियसली 1 और 1014 के अलावा भी हमारे पास 13, 2, 3 ये फैक्टर्स आ रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर राइट सेकेंड जो है दैट इज सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री टू टू इंटू वन प्लस फाइव ये कंडीशन है राइट तो अगर मैं इस कंडीशन को भी इसी तरह से सॉल्व करूं फाइव ऑफ कॉमन ले सकते हो राइट सो फाइव कॉमन ले लिया रिमेनिंग टर्म्स आर सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन ये आ गया नाउ सेवन इंटू सिक्स इंट्री टू इंटू वन दैट विल बी उज एंड ठीक है इसमें आप प्लस वन कर दोगे सो वन थाउजेंड एट प्लस थाउजेंड नाइन फाइव इंटू वन थाउजेंड नाइन दैट विल बी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव अगर हम इसके फैक्टर फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव के फैक्टर्स देखें सो so, फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव जो है सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर फाइव के साथ डिवाइड होगा राइट सो इट विल हैव वन 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 जीरो 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 नाइन, नाइन, नाइन राइट? दैट थाउजेंड जो है वो प्राइम नंबर है सो वन थाउजेंड नाइन खुद के टेबल पे ही जाएगा सो वन थाउजेंड नाइन ओके अगर हम देखें तो फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव के जो है फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव और वन के अलावा भी दो फैक्टर्स आ रहे हैं ठीक है और कॉम्पोजिट नंबर क्या आते हैं कि जिनके खुद के अलावा या वन के अलावा फैक्टर्स बनते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं राइट सो यू कैन राइट सिंस फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव हैज टू मोर फैक्टर्स अदर देन Five thousand forty five and one, so it is a composite number.